धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे आज किशोर न्याय बालकों की देखरेख रखिएगा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मंजिल पर न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। फूल से मासूम बच्चों को जवा हो जाएंगे, मिट भी जाएंगे तो हम एक दास्तां हो जाएंगे। माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए माननीय बाल विकास मंत्री भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, आज पूरी दुनिया जब सुधारों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बालकों के अधिकार संरक्षण में अब तक बनाए गए कानूनों में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही थी, जिसे दूर किया जाना नितांत आवश्यक था। पूरे देश में कानून के जानकारों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही थी कि बालकों के अधिकार संरक्षण में जो वर्तमान कानून प्रचलित है उसे कहीं न कहीं संशोधन की आवश्यकता थी। इसलिए आज सदन में जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह एक सराहनीय कदम है, जिसकी मैं भूर-भूर प्रशंसा करता हूँ। माननीय सभापति जी, विधेयक को पुनः स्थापित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री जी द्वारा नए प्रावधान में प्रत्येक जिले में बेहतर तरीके से बालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा जो जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की जा रही वह निश्चित रूप से एक व्यवहारिक प्रावधान है, क्योंकि अब तक जो कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया थी वह कहीं न कहीं जटिल होने के कारण बालकों को समय से न्याय दिलाने में कठिनाइयों का कारण बन रही थी। अब अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन मामलों की सुनवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से निर्धारित समय अवधि में जो सरकार की जनमानस की मंशा है उसके अनुरूप हम बालकों को न्याय दिलाने में सक्षम न्यायिक प्रणाली देने में कामयाब होंगे। माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में जो अधिनियम की मूलभूत उद्देश्य बालकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों जिसमें प्रमुख रूप से दत्तक ग्रहण भी है के लिए जिला प्रशासन की समन्वित और प्रभावी प्रक्रिया को जो प्रावधान वर्तमान में किया जा रहा है उससे हम बालकों को निश्चित रूप से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल होगी। माननीय सभापति जी, हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं और इस न्यायिक प्रणाली में मुझे स्वयं इस बात का कई बार आभास हुआ है कि चाहते हुए भी हम समय से बालकों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में एक लावारिस नवजात शिशु मिला, उसका पालन पोषण कुछ दिनों तक एक परिवार ने किया और उसके पश्चात उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस ले लिया गया। उस परिवार के लोगों मेरे सामने आए नवजात शिशु की मैंने दशा देखी तो मैं बहुत आहत हुआ, लेकिन जो जटिल प्रक्रिया थी उसके आगे मैं भी विवश था और चाहकर भी समय से मैं उस परिवार को या उस बालक को न्याय नहीं दिला सका। ममता की भावनाओं से ओतपोत जो किसी बच्चे की सेवा करना चाहता था, उसे अपने परिवार के रूप में पालना चाहता था, लेकिन कानूनी रूप से विवश होने के कारण उसे समय से न्याय नहीं मिल सका। और दुर्भाग्य की बात है कि बाल संरक्षण केंद्र चलाने वाले एक सोसाइटी उस बालक को रखा गया जहां उसने ममता के अभाव में दम तोड़ दिया। इसलिए मैं आज हृदय की अंतरिम गहराइयों से माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हमारी सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता। इसलिए माननीय सभापति जी, दत्तक ग्रहण के होने वाले विलंब के मुद्दों को समाधान करने के लिए अपर जिलाधिकारी जिलाधिकारी को दत्तक ग्रहण के आदेश को प्रधिकृत करने की शक्तियां प्रदान करना और यह प्रस्ताव करना कि दत्तक ग्रहण के आदेश संबंधी अपील आयुक्त को की जा सके और उसके साथ ही साथ बाल कल्याण समितियों को और प्रभावी बनाए जाने के लिए जो प्रस्ताव इस वर्तमान संशोधन अधिनियम में किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं आपसे मांग करता हूं कि सर्वसम्मति से इस सुधार अधिनियम को लोकसभा में पारित करने जाने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।